पायल के सपोर्ट में अब कंगना रनौत आ चुकी हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप पर सीधे सीधे निशाना साधा है, वो अनुराग कश्यप पर बरसी हैं। अनुराग ने हर पार्टनर को धोखा दिया, ये ट्वीट किया है कंगना रनौत ने। पायल सच बोल रही हैं, कंगना कह रही हैं कि पायल जो आरोप लगा रही हैं, जो गंभीर संजीदे आरोप हैं उनके, उसमें कोई कहीं दोराई नहीं है, वो सभी सही हैं। कंगना ने ट्वीट करके अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोप लगाए हैं और आरोप जो उन पर लगे हैं उन्हें सही बताया है। क्या ट्वीट किया है जरा ये भी देखिए, हर आवाज मायने रखती है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। कंगना रनौत कह रही हैं कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। पायल घोष के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी है। रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप मुझे ncw@nic.in और NCW इंडिया पर विस्तार से अपना पक्ष भेज सकते हैं, पूरे मामले को देखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पायल डरी हुई हैं। पायल का कहना था कि वो दो दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं क्योंकि घर वाले उन्हें कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आपकी जान को खतरा है। उनके घर के लोग उन्हें मना कर रहे हैं ये कदम उठाने से, इंसाफ की इस लड़ाई में आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लग रहा है कि उनकी बेटी की जान पर न बनाए ये मुहिम, अगर वो छेड़ेंगी, अगर वो कंप्लेंट करेंगी, वो शिकायत करेंगी। लेकिन न्यूज़ नेशन आज पायल के साथ खड़ा है, न्यूज़ नेशन आज दिशा के साथ खड़ा है। हम पायल को शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, उनकी मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज़ को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, देश की जनता तक पहुँचा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान भी मौजूद हैं। रुमान, मैं आपके पास आता हूँ, एक बार ज़रा बता दीजिए तफसील से आज वो क्या बातें हुई, चाहे वो कंगना रनौत की तरफ से हो, अनुराग कश्यप की तरफ से हो, या फिर पायल ने जो न्यूज़ नेशन से बात करके गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर आज क्या हो रहा है। देखिए बिल्कुल, पायल ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद अनुराग कश्यप बैकफुट पर हैं और सीधे तौर पर ट्विटर पर हालांकि अपनी तरफ से सफाई दी लेकिन अपना नंबर बंद कर लिया और गायब हो गए। ये पहली बार नहीं जब अनुराग कश्यप विवादों में हो, लेकिन पायल घोष ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है, सामने आई है, उसका समर्थन मिल रहा है अलग अलग तरह से। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का समर्थन है, कंगना रनौत ने अपना समर्थन दिया और सीधे तौर पर कंगना रनौत ने जो यहाँ पर हिम्मत दिखाई है उसके बाद कई बॉलीवुड में ऐसी महिलाएं हैं जो हिम्मत दिखा रही हैं और उन शैतानों के खिलाफ जो बॉलीवुड में छिपे हुए शैतान हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। न्यूज़ नेशन इस मुहिम को लगातार चला रहा है, पायल घोष ने भी न्यूज़ नेशन पर भरोसा किया है, न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की है, उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की मुहिम में न्यूज़ नेशन लगाए उसी तरह देश की हर बेटी को इंसाफ दिलाने में उसके साथ न्यूज़ नेशन खड़ा है और इसी वजह से पायल घोष का भरोसा भी न्यूज़ नेशन के ऊपर है और न्यूज़ नेशन अपने हर भरोसे पर जो भी लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं उस पर हमेशा खरा उतरा है और आगे भी खरा उतरेगा। विभूषण, आप भी हैं मुहिम में? विद्यानाथ जी, 2018 अक्टूबर में तनुश्री मिश्रा ने पहला मुकदमा मीटू कैंपेन के तहत चलाया था, उसके बाद में 9 FIR हुई थी इसमें, जिसमें नाना पाटेकर और बड़े बड़े MG अकबर जैसे पॉलिटिशियन के नाम थे। मैं आपकी सूचना के लिए, आपके दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं, 7 मुकदमे बरी हो गए 9 में से 7। कोर्ट ने यह कहा है कि सफिशियंट एविडेंस नहीं है सजा करने के लिए। जो अब पायल घोष आई है 6 साल तक, 6 साल के बाद में उनके पास क्या एविडेंस है? आरोपों को साबित करना कितना मुश्किल होता है जरा वेदभूषण जी को बताइए। हालांकि वो पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ खड़े होना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ खड़े होना चाहते हैं। दर्ज नहीं हुई है, कोई FIR नहीं हुई है, अभी केवल टीवी चैनल पर बात चल रही है। अरुणा बताइए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसका उनके घर से थाना मात्र 2 किलोमीटर दूर है, उनके घर से थाना मात्र 2 किलोमीटर है, 100 नंबर पे कॉल कर सकती है। अरे सर, मौत हो जाती है रेप के बाद, लड़कियां उसका परिवार शहर छोड़कर चले जाते हैं, आप किस तरह के पुलिस अधिकारी रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेदभूषण जी माफ कीजिएगा, लेकिन किस तरह के पुलिस अधिकारी आप रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। अंबर जैदी पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अरे घर के भीतर हत्या हो जाती है, घर के भीतर होने के बाद पूरा परिवार शहर छोड़कर चला जाता है, इस तरह के केसेस हम दिखाते रहे हैं, आते रहे हैं। और किस तरह की बातें कर रहे हैं, अंबर जैदी समझाइए जरा आप वेदभूषण को। अपनों के बीच अपने घर में उनके साथ ये काम हुआ और सब लोग गायब हैं।
उनके बॉयफ्रेंड, उनके फ्रेंड और उनके यहाँ तक उनके घर वालों की तरफ से भी कोई आवाज नहीं थी। और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, उनको सबूत सबूत बिल्कुल चाहिए होंगे, लेकिन आप जो उन्होंने आवाज उठाई हवा हवाई बिल्कुल एफ आई आर होगी, महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, उनकी एफ आई आर मांगी है। देखिए गूगल करके वुमेन कमीशन का काम नहीं है, मुकदमा पारुल घोष को ही दर्ज कराना होगा। आप मानवी तनेजा आप मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती, मानवी तनेजा आप मुकदमा नहीं मुकदमा दर्ज कराना होगा। आपको कानून की एबीसीडी नहीं पता, आपको मानवी तनेजा कानून की एबीसीडी नहीं पता। मानवी तनेजा आप जीरो हो, बिग जीरो, बिग जीरो। एफ आई आर के बिना कुछ मूव नहीं होता हिंदुस्तान में। एफ आई आर दर्ज कराइए, एफ आई आर, एफ आई आर, एफ आई आर दर्ज कराइए, एफ आई आर दर्ज कराइए, एफ आई आर। आप जाइए थाने, मानवी तनेजा बॉम्बे जाओ, पारुल घोष को लेके जाओ, जीरो जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो, यू आर बिग जीरो, यू आर बिग जीरो। आप जाइए पारुल घोष के पास में, मुकदमा दर्ज कराइए, जो एक नंबर होता है पास में, आप हिम्मत दीजिए उनको, मुकदमा दर्ज कराइए। बिना मुकदमे के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई ट्रायल नहीं होता। आपके टेलीविजन पर कहने से नहीं होता। आप बहुत अच्छी मॉडल हैं, आप बहुत अच्छी हीरोइन हैं, आप बहुत अच्छी हीरोइन हैं, आप बहुत ही अच्छी हीरोइन हैं, आप बहुत अच्छी मॉडल हैं। मानवी मानवी तनेजा बहुत अच्छी मॉडल है, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छी मॉडल है, मैं आपको मानता हूँ बहुत अच्छी मॉडल है, आप बहुत बड़ी हीरोइन है फिल्म इंडस्ट्री में, आपका बहुत बड़ा नाम है, आपका बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, आपका बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, आप बहुत बड़ी हीरोइन है, आप बहुत बड़ी मॉडल है। आप जाइए पारुल घोष के साथ में, मुकदमा दर्ज कराइए पहले। टेलीविजन पर डिबेट से एफआईआर नहीं होती, टेलीविजन पर डिबेट से एफआईआर नहीं होती, उसके लिए थाने जाना पड़ेगा। तुमने एक केस सॉल्व किया, सुशांत का केस सॉल्व किया, एफआईआर करने की औकात नहीं थी तुम्हारी, एफआईआर करने की औकात नहीं थी, दिशा के केस में किया। अरे आपको नहीं पता, यू आर बिग जीरो, यू आर बिग जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो, यू आर बिग जीरो, हमें बोलते हो बिग जीरो, यू आर बिग जीरो। आपको नहीं पता एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कौन सी धारा में होती है बताइए। जूता सूख ले, जूता सूख ले, देखिए आराम से, देखिए जीरो, एक जीरो, एक सेकंड, मानवी जी, मानवी जी, प्लीज आराम से, आराम से, देखिए मर्यादा मत खोइए, मर्यादा न खोएं, नहीं मर्यादा न खोएं प्लीज। मानवी की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए, वेदभूषण जी की आवाज को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए मानवी जी, मैं समझ रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ, वो पुलिस से निकल कर आए, मैं समझ रहा हूँ उनकी बात, मानवी मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ, उनके दर्द को समझ सकता हूँ। पुलिस से निकल कर आए हैं, अधिकारी रहकर आए हैं, उनको दर्द हो रहा है कि पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है कि मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस में बैठे हुए कुछ अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी अगर ऐसे हैं तो सवाल तो उठेंगे। अरुणा मुकिम, अगर इन दोनों मामलों को हम देखें, इन दोनों मामलों को हम देखें, एक तरफ पुलिस काम नहीं करती है, दूसरी तरफ वेदभूषण जैसे लोग ये कहते हैं कि पहले शिकायत दर्ज कराइए, क्या करें वो पीड़ित लोग, क्या करें वो प्रताड़ित लोग, क्या करें? दोनों मामले एक जैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब ये मीटू जैसा एक ये मुहिम चालू हुआ था 3 साल पहले, और बहुत व्यक्तियों के नाम लिए गए थे, और बहुत अच्छी कलाकारों और बहुत जो कहते हैं नामी लड़कियां थी, उन लोगों ने भी मीटू के तहत अपनी अपनी दुख की कहानी सुनाई थी, लेकिन ये मुहिम फेल हो गया। वो इसलिए फेल हो गया कि जैसा अभी बताया गया कि नाना पाटेकर वगैरह इन सब पे भी जब किया गया, 9 में से 7 लोग के आराम से वो निकल आए उसके बाद, क्योंकि कोर्ट को लगता था एविडेंस नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी जो चीजें जो होती हैं, जो ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, वो हमेशा बंद कमरों में किए जाते हैं, वहां पर किसी को खड़ा करके कोई नहीं करता है। ये कोर्ट को समझना पड़ेगा कि और अगर एक लड़की बाहर आती है, जैसा कि पायल जी के, पारुल जी के इसमें पायल की
केस में हो रहा है कि वो इतने टाइम बाद अगर निकल कर आ रही है। और ठीक है अंबर जैदी आप बोलिए, बहुत हिम्मत बटोर अंबर जैदी अब आप बोलिए कि वो अपने घर से आप उंगली उठाकर बैठी हैं बोलिए। आए मुंबई, मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठाने चीज के लिए कुल जो बुरा लग रहा है ना, अंबर जैदी बोलिए क्या कहना चाहती हैं। जी जी मैं वही बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस पर सवाल क्यों ना उठे। मुंबई पुलिस ने जो कार्यशैली दिशा और सुशांत के केस में, यहाँ तक की पालघर साधुओं के केस में जो अपनाई, उस पर सवाल उठाने जायज और सवाल उठाया जाएगा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि 20 साल बाद क्यों और 5 साल बाद क्यों, हमारे देश में कानून है, प्रावधान है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी होता है तो आप आके बोले और हिम्मत रखिए। आप लोग दबाने की और उसको पीछे कसी धक्का देने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, मेरी हिम्मत बनी आप सब महिलाएं और आप एक पुलिस ऑफिसर है, आप लोग आपको साथ देना चाहिए। अंबर जैदी मैं ये नहीं कह रहा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अंबर जैदी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अनुराग जिसने भी उनके साथ अपराध किया है वो अरेस्ट होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। लेकिन एफआईआर होगी तब ना। मुंबई पुलिस से नहीं हूँ मैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हूँ, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ। यदि एफआईआर होनी चाहिए मैं मानता हूँ, अरेस्ट होनी चाहिए, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ, पर एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा, कानून के तहत होगा। कानून से अलग हम लोग नहीं जा सकते। अंबर जैदी आप भी नहीं जा सकती कानून से अलग। इस देश में कानून है अंबर जैदी, उससे कानून कोर्ट अदालत सब उस सिस्टम से चलता है। अंबर जैदी वो खुद बोल चुकी है, उन्होंने ट्वीट किया, तो इंतजार कीजिए ना, आप अभी जजमेंट मत कीजिए। मैंने तो नहीं कहा, जजमेंट मत कीजिए, अंबर जैदी जजमेंट मत करिए, आप बोल रहे हैं कि अभी जजमेंट आएगा जब ट्रायल के बाद होगा, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और ट्रायल के जुडिशियल ऑफिसर इसमें अपना जजमेंट देंगे। एक सेकंड अंबर जैदी एक सवाल है मेरा वेदभूषण जी से। वेदभूषण जी आप कानून की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये वो फलन ढिमकाना सारे जो कानूनी पहलू हैं आप बता रहे हैं, क्योंकि आप पुलिस में रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं दिल्ली में, आपको सब पता भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिशा मामले में आपका क्या कहना है? आपको लग रहा है कि दिशा मामले में जो पुलिस को करना चाहिए था वो पुलिस ने किया? अगर पुलिस ने किया होता तो आज न्यूज नेशन को ये मुहिम चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज सुशांत का केस सॉल्व हो गया होता। सुशांत के बारे में सीबीआई आज एक महीने से ऊपर है खाली हाथ बैठी हुई है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अभी तक ड्रग्स निकल के आई है, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुई है। सुशांत मामले में आपको बताता हूँ, यदि दिशा मामले का मामला जुड़ा हुआ होगा तो क्या हमारे पैनल में है, आप तीनों हमारे मेहमान है, और मैं कहता हूँ कि जरा धैर्य से अपनी मर्यादा के साथ रहकर आप लोग बात कीजिए, सवाल उठाइए, एक दूसरे को जवाब भी दीजिए, लेकिन मर्यादा के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए। मुझे पता है आप लोग जिस तरीके से इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, आप लोग जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं वो रखना बहुत आसान काम नहीं है। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं जिस मुहिम को हमने दिशा के लिए शुरू किया, लेकिन आज ये मुहिम एक और मुहिम के साथ जुड़ गई है, क्योंकि अब एक और अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी। आज उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड में जब वो काम मांगने के लिए पहुंची थी तो उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ यौन शोषण किया गया, सीधे सीधे आरोप उन्होंने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं। जी हाँ, वही मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप जिनकी फिल्में आपने देखी होंगी। लेकिन आज एक सवाल है जो आज पूरा देश जानना चाहता है, उस पर जवाब जानना चाहता है। बरखा त्रेहन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कई लोग ये कह चुके हैं, रामदास आठवले को भी हमने सुना, इससे पहले भी कई लोग कह चुके हैं कि जब तक दिशा के मामले की जांच नहीं होती है सुशांत के मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि ड्रग मामले में जांच आगे बढ़ गई, सुशांत की मौत के मामले में जांच इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ी क्योंकि दिशा की पहली तो सुलझी नहीं? जी देखिए, सबसे पहले मैं तो देवन से कह रही हूं कि ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों केसेस कनेक्टेड है, और जो मुंबई पुलिस ने बहुत ही लापरवाही दिखाई है इन दोनों केसेस में,
मैं तो बहुत हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े ये मुंबई पुलिस जो है, इतनी जानी मानी पुलिस है पूरे भारतवर्ष में, इनका बड़े काफी डंका है, लेकिन इनका काम क्या है? अभी इन्होंने इन दोनों केसेस में इतनी लापरवाही दिखाई है, ना तो ये दिशा सालियान के केस में कुछ बता पाए कि उनकी मौत कैसे हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ठंडे बस्ते में डाल दिया पूरा केस, यहाँ तक कि सुशांत की मौत होती है उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने, सुसाइड का नाम देके चैप्टर क्लोज कर दिया। इतनी हैरानी की बात है कि मैं, आप और सारे लोग इस केस को डिस्कस करना चाहते हैं, इसके इतने आप मीडिया हाउसेस का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सब कुछ एक्सपोज किया, एक एक मानवी सामने रखे, मानवी आप बोलिए उसके बाद वेदभूषण जी आपके पास। लेकिन यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं करना चाहते। ठीक, तो मैं सहमत हूँ की मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। बोलिए बोलिए मानवी बोलिए। हाँ जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि दिशा केस में मुंबई पुलिस ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। अगर मुंबई पुलिस कोई काम कर देती तो इस वक्त तक हम सीबीआई इंक्वायरी की वो रिक्वेस्ट नहीं करते। तो अगर देखिए तमाम जो एविडेंस है वो सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं उस मर्डर पे, तो इनको ये हर चीज सुसाइड क्यों लगती है जब दिशा की बॉडी गिरी, और वो जो बॉडी गिरी है वो पेवमेंट से काफी दूर जाके गिरी है, और जैसे चश्मदीद गवाह ने बोला है कि वो स्विंग करके फेंकी गई है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो जो दिशा की बॉडी जहां पे मिली है वो बंदा खुदकुशी नहीं कर सकता, वो लॉन्ग जंप नहीं कर सकती, इतनी लंबा वो जंप करके नहीं कर सकती, जाहिर है उसकी बॉडी को काफी झुलाया गया है और फिर उसके बाद फेंका गया, तो यही जवाब दे दें अभी। और उसके बाद दो घंटे तक कोई पंचनामा नहीं हुआ, दो घंटे तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची, लोगों के मन में संदेह है, 25 मिनट और चश्मदीद ने जो बातें की हैं वो तो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब पुलिस नहीं काम कर रही है। और एक लास्ट चीज ऐड करना चाहती हूं, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, जितने लोग वहां पे मौजूद थे उनके पास उनसे कोई भी पूछताछ नहीं, जंक्शन पर जंक्शन पर नहीं चलते, 14 बंदे वहां पे मौजूद थे, किसी से भी पूछताछ नहीं हुई, ऐसा क्यों, किसी से क्यों नहीं पूछताछ हुई, वहां पे एक मर्डर हुआ है, आप लोग उसको सुसाइड कैसे आइडेंटिफाई किया, क्यों सुसाइड है? थोड़ा शांत करा, आपको टेस्ट देखने चाहिए ना कि कैसे सुसाइड है। अभिनेत्री बोल रही है, मैं कैसे बोलूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं बनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोले 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 मानवी तनेजा अभिनेत्री बोल रही है, जानी मानी सर प्लीज बोलिए, अभिनेत्री बोलिए, पहले आप चुप करा तभी अपनी बात रख पाऊंगा। थैंक यू सो मच, आप बोलिए। हाँ आप बहुत बड़ी मॉडल है, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, पर्सन मत होइए, बड़ी मॉडल है, पर्सन मत होइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ देखिए, जो बोलिए, अब बोलिए, कोर्ट कचहरी कानून है, कंजक्शन प्रिजम्पशन, बोल पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, पहले अरे सर आप आपके चक्कर में टाइम खत्म हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, वक्त बर्बाद मत करिए। देखिए ये कानून और सिस्टम पूरा, चाहे सीबीआई में पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके लिए कोई सिविलियन कॉर्पोरेशन का आदमी नहीं करता है। कानून जो है प्रजम्पशन कंजेक्चर्स और अजम्पशंस पर नहीं चलता है, कानून चलता है फैक्ट्स पर और एविडेंस पर। क्या दिशा सालियान का पहले मर्डर किया गया, क्या उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया, क्या उनको इंजरी कॉज की गई उसके बाद फेंका गया, या अंबर सेठी, लेकिन कानून कानून जिस कानून की दलील दे रहे हैं, जिस कानून को हम सभी मानते हैं, लेकिन इस कानून के कुछ रखवाले ऐसे भी हैं, अंबर सेठी कुछ रखवाले ऐसे भी हैं जो अपनी आंख बंद कर लेते हैं, जो केस को क्लोज कर देते हैं, जो तफ्तीश नहीं करते हैं, जो इंक्वायरी नहीं करते हैं, जो जांच नहीं करते हैं, जो उन लोगों की मदद करते हैं जो इस पूरे मामले में शामिल होते हैं। देखिए अब मैंने पहले भी ये बात कही, मैं स्टार्टिंग से ये बात कहती आ रही हूँ कि मुंबई पुलिस ने जो दिशा सालियान के केस में जिस तरीके से कार्यशैली अपनाई है उसको कहीं ना कहीं आपराधिक घटना एक राजनीतिक अपराध बना के पेश कर दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही, ये साफ हम सब देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बैठ के हम नियम कानून और उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने नियम कानून अपनाए दिशा के केस में, सुशांत के यदि नियम कानून सही चलता है, नियम कानून डबल स्टैंडर्ड का डबल स्टैंडर्ड बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये मुहिम हमारी लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।